मुगलों का बादशाह औरंगजेब गैर मुस्लिम लोगों को काफिर कहता सी ते उन्हां नाल सख्त नफरत करया करता सी। इस नफरत दे करके औरंगजेब ने हिंदुओं के कई हजारा मंदिर टवा दिते ते उत्थे मसीतां बनवा दित्तियां, क्योंकि वह सारे हिंदुओं नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा सी। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन करके इन्हां नूं मुसलमान बना दिता जावे। तां औरंगजेब दे इस फरमान नूं सुन के कश्मीरी पंडित भै पीत हो गए। औरंगजेब ने निहत्थी कश्मीरी पंडितों ते जुल्म करने शुरू कर दिते। तां इन्हां जुल्मां तों बचण लई कश्मीरी पंडितों ने आपस विच सलाह कीती। तां उन्हां नूं सोझी आई कि सानू इस मुसीबत की घड़ी विचों सिर्फ सिखां दे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही कढ सकदे हन। कश्मीरी पंडितों का जथा अपनी फरियाद लैके श्री आनंदपुर साहिब पहुँच गया ते गुरु जी नूं अपने ते हो रहे अत्याचारां बारे जाणू करवाया। कश्मीरी पंडितां ते हो रहे अत्याचारां नूं सुण के गुरु जी दा हिरदा दुखी हो गया ते उन्हां ने कहा कि जदों तक इन्हां अत्याचारां दा डट के विरोध नहीं कीता जावेगा उन्हां चिर ए जुल्म नहीं रुकणगे। गुरु जी ने कहा कि औरंगजेब दे इन्हां जुल्मां नूं रोकण वास्ते किसी महापुरश नूं बलिदान देना पवेगा। तां बालक अवस्था विच दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उस वेले अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी दे नाल ही बैठे हुए सन ते पूरी घटनाक्रम नूं सुनण तों बाद उन्हां ने अपने पिता नूं कहा कि पिता जी, भला आप जी तो वड्डा होर किहड़ा महापुरश हो सकता है। आप ही वह महापुरश हो जिहड़े इन्हां कश्मीरी पंडितां दी रक्षा कर सकते हो। तां बालक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मूहों ये गल सुन के उत्थे खड़े सारे कश्मीरी पंडित हैरानी नाल गुरु जी दे चेहरे वल देखण लग पए। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 9 सालां दे बालक दी इस सोच तों बड़ा प्रसन्न होए ते उन्हां ने कश्मीरी पंडितां दा साथ देण लई हां कर दित्ती। दिल्ली रवाना होण तों पहलां श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र श्री गुरु गोबिंद राय जी नूं अपना उत्तराधिकारी बना गए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितां ते हो रहे जुल्मां ते धक्के नाल कीते जा रहे धर्म परिवर्तन नूं रोकण लई दिल्ली वल रवाना हो गए। ते जदों गुरु जी औरंगजेब नूं मिलण वास्ते दिल्ली वल जा रहे सन तद आगरे दे कोल गुरु जी ते उन्हां दे नाल आए सिख सेवकां नूं मुगल फौज ने गिरफ्तार कर लिया ते गिरफ्तार करके औरंगजेब दे दरबार विच लै गए। हंकारी औरंगजेब ने गुरु जी नूं एक बंदी खाने विच बंद करवा दिता ते अपने एक काजी नूं गुरु जी पास भेजिया ते बेनती कीती कि आप जी मुसलमान बन जाओ, क्योंकि जेकर तुसी मुसलमान बन गए तां तुहाडे पिछे सारे ही हिंदू मुसलमान बन जाणगे। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मुसलमान धर्म अपनाउण तों साफ साफ इनकार कर दिता। जिस तों बाद बादशाह ने गुरु जी नूं कहा कि मैं तुहाडी बहुत वडियाई सुनी है, इस लई तुहाडे कोल सिर्फ 3 ही रास्ते हन। पहला यह है कि जां तां मुसलमान बन जाओ जां फिर कोई करामात दिखाओ ते जां फिर मौत लई तैयार हो जाओ। तां बादशाह दे मूहों ये गल सुन के गुरु जी ने जवाब दिता
कि करा मार दिखाउणा कहर दा नाम है जो असीं बिल्कुल नहीं दिखावांगे। तेरियां पहलियां दोनों गल्लां सानू मंजूर नहीं हन, पर तेरी तीसरी मौत वाली गल सानू पूरी तरह मंजूर है। बादशाह औरंगजेब ते काजी ने गुरु जी नू मनाउण दी बहुत कोशिश कीती, पर फिर भी गुरु जी नू राजी ना कर पाए। अगले दिन औरंगजेब ते काजी ने गुरु जी नू डराउण दी योजना बनाई, ते योजना दे अनुसार अगले दिन उन्हां ने भाई मती दास जी नू जंजीरां विच जकड़ के चांदनी चौंक विच लै आंदा, ते जुल्म करन तों पहलां काजी आखण लगा कि भाई मती दास जी, तुसी क्यों इन्हां अत्याचारां नू सहिंदे होए अपने प्राणां नू त्याग रहे हो? ये प्राण बहुत कीमती हन, तुसी साडी गल मन्नो ते इस्लाम धर्म कबूल करके ऐशो आराम वाली जिंदगी बतीत करो। जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तां तुहानू बड़ी बेरहमी दी मौत मारिया जाएगा। परंतु भाई मती दास जी ने फिर भी इस्लाम धर्म कबूल करन तों कोरी ना कर दिती। तां काजी ने कहा कि फिर मरण लई तैयार हो जावो, ते मरण तों पहलां जेकर कोई आखरी इच्छा है तां ओ सानू दस देवो। तां भाई मती दास जी ने मुस्कुराउंदिआं होइआं जवाब दिता कि मेरी आखरी इच्छा यह है कि जदों मैनू मौत दे घाट उतारिआ जावे उस वेले मेरा मूँह मेरे गुरु जी वल होवे, तां कि मरदे समें तक मेरियां अखां अपने गुरु जी दे दर्शन करदियां रहण। मुगलां ने भाई मती दास जी नूं दो लकड़ी दियां शतीरां नाल जकड़ दिता, ते उन्हां दा मूँह श्री गुरु तेग बहादुर जी दे पिंजरे वल कर दिता। जलादां ने आरा चला के भाई मती दास जी दे सिर उत्ते कर दिता। तां काजी ने एक वारी फिर कहा कि हाले भी समा है, इस्लाम धर्म कबूल कर लवो। पर भाई मती दास जी उस वेले गुरबाणी उचारण कर रहे सन, ते उन्हां ने कोई भी उत्तर ना दिता। अंत काजी ने जलादां नू आरा चलाउण दा हुक्म दे दिता, ते देखदिआं ही देखदिआं आरे ने भाई मती दास जी दे शरीर दे दो फाड़ कर दिते। श्री गुरु तेग बहादुर जी उस वेले परमात्मा दे नाम विच लीन सन, ते ओ जरा भी नहीं डोले। अगले दिन चौंक विच भाई दयाला जी नू लिआंदा गया, ते उसे तरह उन्हां नू भी इस्लाम धर्म कबूल करन लई कई तरह दे लालच ते जानू मारन दियां धमकियां दित्तियां गईयां। पर भाई दयाला जी ने फिर भी उन्हां दी ईन नहीं मन्नी, तां जलादा ने एक बहुत वड्डी देग विच पाणी पा के उस विच भाई दयाला जी नू बिठा दिता, ते थल्ले अग जला दित्ती। हौली हौली पानी गर्म हुंदा गया, ते भाई दयाला जी गुरबाणी पढ़दे पढ़दे परमात्मा दे नाम विच लीन हुंदे गए। पानी उबलना शुरू हो गया, ते भाई दयाला जी गुरबाणी उचारण करदे करदे ज्योति ज्योत समा गए। तीसरे दिन भाई सती दास जी नूं बंदी खाने तों बाहर कढ के चौंक विच लिआंदा गया, ते भाई सती दास जी दे भी इस्लाम कबूल ना करन ते काजी ते जलाद बखलाउण लग पए, क्योंकि इन्ने तसीहे देण दे बावजूद भी गुरु जी दे किसे भी सिख ने उन्हां दी एक भी ईन नहीं मन्नी। बखलाए होए काजी ने भाई सती दास जी नूं रूम विच लपेट के साड़न दा आदेश दिता, ते इस तरह गुरु जी दे तीन सिख हस हस के शहीदियां पा गए, पर मुगलां दी ईन ना मन्नी। तीन सिखां नू शहीद करन तों बाद औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी नू शहीद करन दी घोषणा करवा दित्ती। गुरु जी नू शहीद करन दी गल सुन के कुछ सिखां ने
पिंड रकाब गंज दे भाई लकी शाह नाल मिल के एक योजना बनाई कि गुरु जी दे शहीद हो जाण पिछों उन्हां दे शरीर दी सेवा संभाल तुरंत कीती जावे। सिखां ने इस योजना दे अनुसार एक बैल गड्डी तैयार करवाई जिस विच एक संदूक बनवाया गया जिसका ढक्कण उपर वाले पास्यों खुलता सी। गुरु जी दे सिर दी संभाल करन लई भाई जैता जी नाम दे सिख ने जिम्मेवारी लई। प्रशासन ने पूरी दिल्ली नगर विच ढोंडी पिटवा दित्ती कि हिंद दे पीर श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं 11 नवंबर सन 1630 ईस्वी नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक विच कतल कर दिता जाएगा। ता आखिरकार 11 नवंबर वाला दिन आ गया ते नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करन लई चबूतरे उत्ते बिठा दिता गया। काजी ने जलाद नूं हुकम दिता कि गुरु जी दी गर्दन ते तलवार दा तेज वार कीता जावे। तां जलाद ने काजी दे हुकम अनुसार उसे तरह गुरु जी दी गर्दन ते तलवार दा एक तेज वार कीता जिस नाल गुरु जी दा सीस उन्हां दे धड़ नालों अलग हो गया। तां उसे वेले उत्थे परमात्मा दा एक चमत्कार होया कि उत्थे भयानक हनेरी चलण लगी ते हनेरी इन्नी को ज़्यादा तेज सी कि मुगल सैनिक अपनियां अखां बंद करन लई मजबूर हो गए। तां इस हनेरी दा फायदा चुके भाई जैता जी ने फुरती दिखाई ते गुरु जी दा सीस अपनी झोली विच पा लिया ते बिना रुके नगर दे बाहर खड़े भाई उदय जी कोल जा पहुंचे। दोनों सिखां ने उस वेले अपना पहरावा मुगलां वर्गा बनाया होया सी जिसका फायदा चुके दोनों सिख श्री आनंदपुर साहिब वल नूं वधे गए। मुगलां नूं जदों गुरु जी का सीस ना मिलिया तो क्रोध विच आए औरंगजेब ने दिल्ली नगर विच ढोंडी पिटवा दित्ती कि जेकर कोई गुरु का सिख है तो उन्हां दे शरीर का अंतिम संस्कार करन लई अगे आवे। ता भाई लकी शाह जिहड़ा कि अपनी योजना दे अनुसार अपनियां बैल गड्डियां दे काफले नाल लाल किले विच सरकारी समान छड के वापस परत रहा सी ता कुदरत ने फिर तो करिश्मा दिखाया ते उसे वेले फिर तो हनेरी चलन लगी जिसका फायदा चुकदियां उन्होंने गुरु जी दे शरीर उत्ते कपड़ा पा के शरीर नूं बैल गड्डी वाले संदूक विच रख दिता ते उस बैल गड्डी नूं हाकदे होए अगे वल वधदे गए। जदों हनेरी बंद होई तां मुगल संतरियां ने शरीर नूं खोजण दी बहुत कोशिश कीती पर सफल ना होए। लकी शाह ने गुरु जी दे पवित्र शरीर नूं अपने घर दे अंदर रख के गुरु जी दी पवित्र चिता नूं अग लगा दित्ती ते रौला पा दिता कि साडे घर नूं अग लग गई है। इस तरह गुरु जी दे सिखां वल्लों गुरु जी दे पवित्र शरीर दा अंतिम संस्कार गुप्त रूप विच कर दिता गया। जिस जगह ते गुरु जी दा अंतिम संस्कार कीता गया सी उस जगह ते अज कल रकाब गंज नाम दा गुरद्वारा स्थित है। दूसरे पासे भाई जैता जी ते उन्हां दे साथी लंबी यात्रा करदे होए श्री कीर्तपुर साहिब पहुंच गए। जिवें ही यह सुनेहा गुरु जी दे परिवार नूं मिलिया कि गुरु जी द्वारा मनुखता दे मूल अधिकारां दी सुरक्षा लई अपने प्राणा दी आहुति दे दित्ती गई है ते उन्हां दा सीस एक सिख श्री कीर्तपुर विखे लैके पहुंच गया है तां गुरु जी दा परिवार पूरे सिखां समेत श्री कीर्तपुर साहिब विखे पहुंच गया। उस वेले चारे पासे सोग दी लहर छाई हुई सी पर फिर भी बालक श्री गुरु गोबिंद राय जी ने सारिया नूं सबर रखण दा पाठ पढ़ाया। बालक श्री गुरु गोबिंद राय जी ने
भाई जैता जी कोलों गुरु जी का पवित्र सीस आप प्राप्त किया। भाई जैता जी जिहड़े कि रंगरेटा कबीले नाल संबंधित सन, तां गुरु जी ने भाई जैता जी नूं अपनी गलवकड़ी विच लै लिया ते बचन बोले कि रंगरेटा गुरु का बेटा। गुरु जी का सीस प्राप्त करन तों बाद विचार होया कि गुरु जी दे सीस दा अंतिम संस्कार कित्थे कीता जावे, तां दादी मां ते माता गुजरी जी ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब दी नगरी गुरु जी ने आप वसाई सी ते उन्हां दे सीस दा अंतिम संस्कार उत्थे ही कीता जावे। ए विचार होण मगरों गुरु जी दा सीस पालकी विच श्री आनंदपुर साहिब लिआंदा गया ते उत्थे सीस साहिब दा संस्कार कीता गया। गुरु प्यारिओ, साखी जेकर चंगी लगी होवे तां वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। सतनाम श्री वाहिगुरु।